एक कहावत है कि अगर आप चर्चे में बने रहते हैं तो आपकी चीज़ें चलती रहती है। ये लोग इतने बड़े पद पे होके ऐसे लड़ते हैं, ये उनको उनको वो गंदा बयान देते हैं, उनको वो गंदा बयान देते हैं, लड़ाइयाँ होती है। आप काम से लड़ाई करिए ना। अगर ये आदमी मान लीजिए कि 20 लाख का गाना बना रहा है, आप 30 लाख का बनाइए, फिर 40 का बनाइए। या आपने कभी देखा है कि साउथ के सुपरस्टार ऐसे एक दूसरे को बोलेंगे? बिहार के लोग भी वैसे हैं, मैं खराब नहीं कह रहा हूँ, कि उनको इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि उसने किसकी माँ पे क्या बोला, किसने किसकी बहन पे क्या बोला। भोजपुरी में अगर जो अपना मार्केट है, मोटा मोटी मिला के चलिए पूरा यूपी बिहार और अदर स्टेट में भी लोग भोजपुरी को अपना मैथिली को सुनते हैं, तो हमारे भोजपुरी में अक्सर आपने देखा होगा जैसे पवन खेसारी जी हो गए, इन दोनों में हमेशा कांटे की टक्कर रहती है। आप एक स्टार कलाकार हैं अपने क्षेत्र के, एक बड़ा ऑडियंस है आपका, आपका क्या मत है इन दोनों को लेकर? देखिए, ये लोग अपने अपने जगह दोनों सही हैं और कहीं ना कहीं काम, देखिए बड़े लोग हैं और कई चीज़ें होती है ना, लोग इन लोगों का एक वो है कि अगर आप, एक कहावत है कि अगर आप चर्चे में बने रहते हैं तो आपकी चीज़ें चलती रहती है, चाहे वो माध्यम जो भी हो, लड़ाई का हो या आप सर्च होना चाहिए आप यूट्यूब पे, यूट्यूब ये देखती है, उनसे ये मालूम नहीं रहता है कि इन लोगों ने लड़ाई किया है तो लोग इसे देख रहे हैं, तो ऑडियंस रिटेंशन, हाँ ऑडियंस रिटेंशन के लिए लोग लड़ते हैं। और अब बहुत बड़े बड़े पद पर हैं इन लोगों को, आपस में ऐसे जैसे करते हैं ना ये लोग, तो मान लीजिए कि छोटे कलाकार जैसे हम ही हैं और या बहुत सारे कलाकार हैं, लाखों करोड़ों कलाकार हैं यूपी बिहार में, ये लोग इतने बड़े पद पे होके ऐसे लड़ते हैं, ये उनको उनको वो गंदा बयान देते हैं, उनको वो गंदा बयान देते हैं, तो मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि अगर आप सीनियर होके ऐसे करेंगे तो नए लड़के जो आ रहे हैं, जो आपको अपना आदर्श मानते हैं, वो आपसे क्या सीखेंगे कि उसको बोलो कि उसके घर में जो है सोहर नहीं बजेगा, हमारे घर में ये नहीं होगा वो नहीं, तो इन सब चीज़ों से मंच से पब्लिक के बीच में एक दूसरे को टारगेट करना, कंट्रोवर्सी, आपको मैंने क्या कहा कि ताकि हम लोगों के नज़रिए में पब्लिक के नज़रों में बने रहें, और ऑब्वियसली है कि आप लोगों के नज़र में बने रहेंगे तो आपका गाना भी चलते रहेगा, लेकिन इन लोगों को ऐसा नहीं करना, लड़ाइयाँ होती है, आप काम से लड़ाई करिए ना। अगर ये आदमी मान लीजिए कि 20 लाख का गाना बना रहा है, आप 30 लाख का बनाइए, फिर 40 का बनाइए, या सिंगिंग में, एक्टिंग में काम से लड़ाई करिए तो वो चीज़ें बेहतर लगती है। और ऐसे अच्छा, आप भोजपुरी के स्टारों की बात करते हैं, आपने कभी देखा है कि साउथ के सुपरस्टार ऐसे एक दूसरे को बोलेंगे? एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मैंने देखा है, कभी जीवन में नहीं बोलेंगे। या और भी इंडस्ट्रियाँ हैं, तमाम इंडस्ट्रियाँ हैं, कोई किसी की पत्नी पे या किसी के बच्चे पे बॉलीवुड में भी नहीं जाता है, तो क्या कीजिएगा। अब इन लोगों का ये नज़रिया बन चुका है, बिहार के लोग भी वैसे हैं, मैं खराब नहीं कह रहा हूँ, कि उनको इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि उसने किसकी माँ पे क्या बोला, किसने किसकी बहन पे क्या बोला, तो ये चीज़ें होती है इन लोगों में। बस इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों एक लेवल के कलाकार हैं, इन लोगों को समझना चाहिए कि हमारी क्या योग्यताएँ हैं और उस अनुसार काम करना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि मतलब खुले मंच से टारगेट करते हैं कीवर्ड रैंक कराने के लिए, पब्लिक कैपेसिटी को बरकरार करना। हाँ 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 हाँ, ये चीज़ है ही। मान लीजिए अगर ठीक है, सामने वाला अगर गलत है, अगर हम भी उसको जवाब दे ही दे रहे हैं तो मेरे और उसमें फर्क क्या रह गया। सही चीज़। चलिए, अच्छा लगा, आपने अपना व्यक्तिगत विचार दिया है।